राम राम जी आप सबको। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज मैं देखो आपको दो रंग का ये छोटा छोटा डिजाइन बना के दिखाऊंगी। आप इसको छोटे बच्चे के कार्डिगन में डाल लेना, बहुत अच्छा लगेगा। ये एक डिजाइन, ये छह फंदे का बनेगा। बॉर्डर बना के पहली सिलाई में बनाया था, यहाँ से पहली सिलाई से बना के दिखाऊंगी। अगर आपने इसमें जैसे लाल रंग क्रीम का बना रखा है, ये लाइन लाल की बना ली, ये हरे की बना ली, आगे फिर दूसरे तीसरे रंग की बना ली, फिर आगे ये वाली चौथे की बना ली, कितने रंग लगा लो इसमें। पहली सिलाई से बना के दिखा रही हूँ आपको। बॉर्डर बना के जो शुरू किया था पहली में, तीन फंदे क्रीम रंग के बना लेंगे, फिर एक फंदा लाल रंग का बना लेंगे। कोणी पे तीन तीन बना रखे हैं। अगर आप पांच पांच बनाना चाहो, पांच पांच भी बना सको हो। मैं तीन तीन बना रही हूँ दोनों कोणी पे। फिर बीच में सारी जगह पांच पांच बना लेंगे, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे करीम हो गए। अब ये तीन फंदे छोड़ के एक लाल पांच करीम, एक लाल पांच करीम, एक लाल पांच करीम, पूरी सिलाई में इस तरह बना लेंगे पहली सिलाई में। अगर इस जगह दो रखना चाहो दो रख लो, दो में भी डिजाइन सेट हो जाएगा हमारा। पांच रखो पांच रख लो, वो आपकी मर्जी है। अब आगे फिर एक फंदा लाल, पांच फंदे करीम, दो तीन चार पांच। और जब भी हम दो रंग के दोनों धागे साथ चला रहे हैं तो पीछे ऐसे कर करके फिर दूसरा धागा लेके जाना, नहीं तो हमारा यूं सिकुड़ा हुआ बनेगा। अब ऐसे यूं करके बना लेंगे नहीं तो फिर ये सिकुड़ा नहीं बनने का, अच्छा लगेगा फिर, नहीं तो खिंचा खिंचा बना है हमारा। अगर हम बगैर इनको ऐसे खुला करे बगैर बना लें तो देखो पहली सिलाई इस तरह होगी। अब आगे दूसरी सिलाई। अब दूसरी सिलाई में हमने जो लाल फंदे हैं तीन बनाने हैं, और जो ये पांच हैं यहाँ हमारे तीन बचेंगे, लाल को हम तीन बना देंगे। एक इस तरफ तो मिला लेंगे, एक इस तरफ तो मिला लेंगे। अब दूसरी सिलाई आ गई, उल्टी सिलाई आ गई। दूसरी में ये कोने पे तीन है, दो बच गए हमारे। अब इन तीन को लाल बना देंगे, एक इस तरफ से मिला लिया एक इस तरफ से। और जो यहाँ ये धागा है इस तरह कर लेंगे, यूँ यूँ दबा के, जाली नहीं बनेगी फिर यहाँ हमारी। अगर नहीं दबा कर बनाएंगे तो जाली बनेगी फिर यहाँ कोने पे। अब देखो जाली नहीं बनने की। अब तीन फंदे, एक दो तीन, तीन फंदे आ गए हमारे करीम। अब इन तीन को लाल बना देंगे, दोनों साइड से एक एक फंदा मिला लिया, एक दूसरी तरफ से एक दूसरी तरफ से। अब तीन लाल हो गए दोनों कोने पर, दो दो करीम, तीन लाल तीन करीम, तीन लाल तीन करीम। अब ये दूसरी सिलाई है, उल्टी सिलाई है। अब तीन लाल हो गए, फिर दो करीम कोने पे। अब आगे तीसरी सिलाई, सीधी सिलाई। अब तीसरी में फिर हमने वापस एक फंदा रखना है ये बीच वाला लाल, ये भी क्रीम बना देंगे, ये भी क्रीम बना देंगे। वापस हमारी जिस तरह पहली सिलाई थी वही सिलाई फिर आ गई चौथी सिलाई। पहली नहीं तीसरी है, पहली ये थी, दूसरी में फिर ये तीन बना दिए थे, अब तीसरी सिलाई है। अब तीसरी में फिर हमने तीन बना दिए और फिर ये बीच वाला यही हमने लाल बना दिया। फिर आगे एक दो तीन चार और एक फंदा इनमें से पांच, वही पांच हो गए हमारे जिस तरह हमने पहली सिलाई उतारी थी। फिर आ गया एक फंदा लाल, फिर एक फंदा ये वाला लाल है जो इसको हम करीम बना लेंगे, और ये पांच फंदे हो गए हमारे करीम। एक ये बना दिया, एक इस तरफ वाला बना दिया, पांच फंदे आ गए। अब फिर एक फंदा लाल,
अब इस कोने पे भी तीन फंदे करीब, एक दो तीन। अब ये तीन सिलाई का हो गया एक डिजाइन। आगे फिर हम बनाएंगे यही डिजाइन, बस डिजाइन की जगह बदल देंगे। जगह किस तरह बदलनी हमने, जैसे ये वाले डिजाइन दो हैं इनके बीच में बना देंगे, ये दो है इनके बीच में बना देंगे, जो पांच पांच फंदे हैं इनके बीच वाले को लाल बना लेंगे। और उल्टी सिलाई में डिजाइन शुरू करना है अभी हमने, ये वाला कराया था हमने सीधी सिलाई में, अब ये वाला, ये वाला डिजाइन हम उल्टी सिलाई में करेंगे। उल्टी में किस तरह करेंगे, इस तरफ तो डिजाइन नहीं बनने का, इस कोने पर आएगा तो यहाँ तो बनेगा नहीं डिजाइन, जो ये पांच फंदे इनके बीच वाले का बनाना है। तो बच गए हमारे फंदे दो तीन चार पाँच छः, अब छः फंदे बना लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः। अब यहाँ फिर हम एक फंदा, ये यहाँ हमें दबाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्यों ये फंदा दूर रह गया हमारा धागा, अगर इसी के पास है फिर हम दबा सकते हैं, ऐसे दबा लें, अगर इसमें भी दबाना चाहो दबा लो, कोई वो नहीं। एक लाल हो गया, अब फिर आगे फिर एक दो तीन चार पाँच, पांच फंदे क्रीम, एक फंदा लाल। अब ये चौथी सिलाई, चौथी तीन सिलाई के बाद हम डिजाइन एक बार इधर से शुरू कर लेंगे, एक बार उल्टी में शुरू करेंगे, एक बार इधर से एक बार उल्टी में, तीन तीन सिलाई के बाद, एक दो तीन चार पाँच छः, दोनों कोने पे छः छः फंदे आगे करीम, बीच में सारी जगह पाँच पाँच। अब आ गई पाँचवीं सिलाई, अब ये चौथी सिलाई थी, पाँचवीं सिलाई आ गई, एक दो तीन चार पाँच, अब पांच फंदे करीम आ गए, अब इन तीन को लाल बना देंगे, एक दो तीन, अब तीन लाल और तीन करीम, बीच के तीन बचेंगे हमारे, एक दो तीन, तीन करीम, अब इन तीन को लाल बना देंगे, एक दो तीन, पहली थी ये, फिर दूसरी थी, फिर तीसरी, चौथी, अब पांचवीं है ये सिलाई, चौथी में तो हमने एक बनाया था, पांचवीं सिलाई है। फिर आगे कोने पे, दोनों कोने पे अब पांच पांच फंदे करीम आ गए, बीच में तीन तीन फंदे करीम आ गए। अब आ गई छठी सिलाई, अब छठी सिलाई में फिर हमने जो लाल फंदे हैं एक फंदा रखना हमने। अब देखो पहली सिलाई में तो हमने सीधी साइड से डिजाइन शुरू करा था, फिर चौथी सिलाई में हमने उल्टी साइड से कर दिया था, एक बार उल्टी साइड से बनेगा एक बार सीधी साइड से। अब ये बीच वाला लाल, एक दो तीन चार पाँच, पांच फंदे लाल क्रीम, एक फंदा बीच वाला लाल, फिर पांच फंदे क्रीम, एक, दोनों कोने पे छः छः आ गए, दो तीन चार पाँच छः। अब यही फंदे हमें छः सिलाई होगी, अब यही छः सिलाई हम बार बार बनाएंगे, तो देखो ऐसा डिजाइन बनेगा, छोटे बच्चे के कार्डिगन में ये बहुत अच्छा लगेगा डिजाइन। अगर आपको मेरा डिजाइन पसंद आए और बताने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब देखो एक बार फिर मैं पहली सिलाई से फिर बना के दिखा दूँ, जो यहाँ से कराया था, एक बार ये डिजाइन बना लिए, फिर इनके बीच बीच में बनाना है ये वाला। अब ये वाला पहली सिलाई से बना के दिखा दूँ आपको, एक दो तीन, तीन फंदे करीम, एक फंदा लाल, दोनों कोने पे तीन तीन करीम हैं, बीच में पांच पांच करीम कर देंगे, दो तीन चार पांच, पांच फंदे करीम, फिर एक फंदा लाल, फिर पांच फंदे करीम, फिर एक फंदा लाल, फिर तीन फंदे करीम कोने पे। अब ये पहली सिलाई हमारी इस तरह उतरेगी।